नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है अनेक विभागों में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 8 वैकेंसियों से अवगत कराऊंगा, जो मेल फीमेल भूतपूर्व सैनिक सभी के लिए वैकेंसी है। इसमें कुछ वैकेंसियां डायरेक्ट भर्ती हैं मेरिट के आधार पर, कुछ के लिए एग्ज़ाम भी देना पड़ सकता है। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो पूरा देखें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी न छूट सके। साथ ही दोस्तों को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, हो सकता है हमारे बहुत से दोस्तों को इस प्रकार की वैकेंसी की आवश्यकता हो। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वैकेंसी है एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत आंगनबाड़ी की पद हैं, जिसमें आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका और सहायिका के 2 पद हैं। टोटल वैकेंसी 3000 हैं। लास्ट डेट में अप्रैल 2023 दी गई है, यानी आपके पास पर्याप्त समय है। साथ ही पे स्केल एज पर गवर्नमेंट रूल से रहेगा। इसके लिए 10th पास 8th पास कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसके अंदर दी गई है 18 साल से 40 साल दी गई है। कोई भी एप्लीकेशन फीस इसके लिए नहीं लगेगी। साथ ही सिलेक्शन आपका मेरिट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। जॉब लोकेशन बिहार रहेगा। यहाँ की जो वेबसाइट रहेगी icds.online.bih.nic.in पर जा सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अप्रैल तक होगी 3000 सेविका सहायिकाओं की बहाली। ये न्यूज़ की कटिंग है जो आप देख पा रहे हैं। इसमें क्लियर दिया गया है, राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 विभागों के मुताबिक पहले से चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे भी हैं जहाँ सेविका व सहायिका नहीं है। कहीं अकेली सेविका तो कहीं अकेली सहायिका केंद्र चला रही है। ऐसे में सभी केंद्रों को चिन्हित कर वहाँ पर भर्ती की जाएगी। दोस्तों, आज की जो दूसरी वैकेंसी है नेवल लीजेट कॉर्पोरेशन यानी NCL के अंतर्गत है, जिसमें जूनियर ओबरमैन, जूनियर सर्वेयर, सिरदर की ट्रेड है। 213 वैकेंसी हैं। स्टार्टिंग डेट 1 मार्च से 10 मार्च 2023 तक रहेगी। इसमें सैलरी की बात करते हैं, 31,000 से 1,00,000 रुपये तक सैलरी रहेगी और सिरदर के लिए 26,000 से 1,10,000 तक सैलरी दी जाएगी। इसके अंतर्गत डिग्री या डिप्लोमा मांगे गए हैं। उम्र सीमा 30 साल 33 साल और 35 साल तक रहेगी। जूनियर ओबरमैन, जूनियर सुपरवाइजर के लिए 595 रुपये देने होंगे। साथ ही हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें इसमें 295 रुपये देने होंगे। दोस्तों, सदर के लिए जनरल, EWS, OBC सबके लिए 486 रुपये रहेंगे। SC, ST, PWD और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए 236 रुपये रहेंगे। दोस्तों, इसके अंतर्गत रिटन टेस्ट होगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन करनी है। ऑफिशियल वेबसाइट है nlcindia.in। साथ ही दोस्तों, आज की तीसरी वैकेंसी है उड़ीसा हाई कोर्ट के अंतर्गत, यानी उड़ीसा उच्च न्यायालय के अंदर वैकेंसी है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO। टोटल वैकेंसी है 199। स्टार्टिंग डेट है 1 मार्च 2023 से 20 मार्च 2023 तक। अप्लाई करने के लिए 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक आपका स्किल रहेगा। दोस्तों, क्वालिफिकेशन है मांगी गई है, इसमें डिग्री मांगी गई है। उम्र सीमा है 21 साल से 32 साल। एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 500 रुपये। SC ST PWD के लिए कोई फ़ीस आपको पे नहीं करनी है। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, पहले प्री एग्ज़ाम होगा, फिर टेस्ट होगा, मैन रिटेन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट होगा, फिर वाइवा टेस्ट लिया जाएगा। जॉब लोकेशन उड़ीसा रहेगा। दोस्तों, आज की चौथी वैकेंसी है राजस्थान टीचर रिक्रूटमेंट यानी सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान के अंतर्गत।
असिस्टेंट टीचर के 9,712 पद हैं। इसके लिए लास्ट डेट बढ़ा दी गई है जो कि 16 मार्च 2023 तक रहेगा। पे स्केल 16,900 से 29,900 रहेगा। इसके लिए डिग्री बीएड डीएलएड मांगा गया है। एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी जनरल के लिए 100 रुपये और ईबीएस के लिए 70 रुपये, एससी एसटी के लिए 60 रुपये रहेगा। साथ ही एज लिमिट इसमें मांगी गई है 21 साल से 40 साल मांगी गई है। दोस्तों फीस आप किसी भी तरह पे कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन इंटरव्यू के साथ होगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। जॉब लोकेशन राजस्थान रहेगा। यहाँ की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है www.education.go.rajasthan.gov.in रहेगा। और दूसरी वेबसाइट है sso.rajasthan.gov.in। दोस्तों आज की पांचवी वैकेंसी है एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस के अंतर्गत, जिसमें एयरक्राफ्ट टेक्निकल और स्किल टेक्नीशियन की वैकेंसी है। टोटल पद हैं 371। इसकी लास्ट डेट रहेगी 20 मार्च 2023। पे स्केल रहेगा 25,000 रुपये। इसके अंतर्गत एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी 10th पास, ITI डिप्लोमा। जनरल और एक्सेप्शन के लिए 35 साल, OBC के लिए 38 साल, SC ST के लिए 40 साल मांगा गया है। साथ ही एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। इसके अंतर्गत सभी के लिए 1,000 रुपये रहेगा, SC ST और एक्सेप्शन के लिए 500 रुपये रहेगा। दोस्तों इसके अंदर अप्लाई आप ऑफलाइन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहेगा। वेबसाइट रहेगी AIESL.in। दोस्तों आज का ये थी आज की मुख्य वैकेंसियाँ। ऐसी ही वैकेंसियों की अपडेट यहाँ पर दी जाती है। दोस्तों आपसे नम्र निवेदन है, अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी आती है वो नोटिफिकेशन के आधार पर ही दी जाती है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।